हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज है फ्राइडे और ना सफाई का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है और काम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज मैं सोची थी कि अलविदा जुम्मा है तो कुछ काम कम करूँगी और जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ऐसा होता है ना कि बिना सोचे कोई काम होने लगता है। जैसे कि देखिए, अभी ये ब्लैंकेट वगैरह अभी रखना नहीं था आज, लेकिन क्या हुआ कि आंधी तूफान जैसा हवा चलने लगी और जो है उसे रखना पड़ा, क्योंकि धूल उड़ता है तो ब्लैंकेट में जम जाता है और फिर धोया हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, तो इसलिए फटाफट से मैं रखने लगी। और अंदर देखें ये बॉक्स में जो है धूल वगैरह भरा रहता है तो वो भी साफ़ करना पड़ा। और झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, वो भी आज लेट से आई हैं तो उनको भी फुर्सत नहीं है कि उनसे कहूँ कि ये साफ़ कर दें, टाइम नहीं है क्योंकि लेट हो रहा था। फ्राइडे है तो थोड़ा लगता है कि सारा काम जल्दी हो जाए सफाई वाला, तो मैं छोड़ दी कि चलो उनको उधर झाड़ू पोछा करने देती हूँ, धो रही हैं बाहर में, तो जब तक मैं इधर साफ़ करके ब्लैंकेट रजाई ये सब जो है रख देती हूँ। तो खैर अकेली नहीं थी, बेटी हाथ बटा रही थी और साथ में मिल करके कुछ काम कीजिए तो कितना भी मुश्किल वाला काम रहता है तो इजी लगता है और हंसी खुशी मतलब काम हो भी जाता है। और ये कुलसुम जो है ना इतना बकबक करती है, इतना बकबक करती है कि टाइम का पता भी नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा और हंसाती भी रहती है। वैसे ये मेरे पास ही इतना बकबक करती है, अगर कोई सामने आ जाए तो इसे बात करने आता ही नहीं है, चुप बैठी रहेगी और इसे समझ नहीं आता है कि क्या बात करें। और बाहर में भी कहीं जाएगी तो इसी तरह से इसका यही हाल है, बस घर में वो भी मेरे पास दिमाग खा जाती है, अम्मी 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 हर टाइम करती रहेगी। पहले के लोग सही कहते थे कि जिस घर में बेटी ना होना रौनक बिल्कुल नहीं होता, तो ये सही लगता है मेरी। तो बच्चे घर में रहते हैं और साथ में हेल्प करते हैं तो इससे उन लोग सीखते भी हैं और ज़रूरी है सिखाना बच्चों को, क्योंकि हमेशा माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, बाहर रहना पड़ता है बच्चों को। अब तो पहले जैसा नहीं है कि ट्वेल्थ किए और जो है शादी करके चले गए ससुराल, ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ करके तो घर से निकलते हैं और अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे रहते हैं, पढ़ाई कब तक चलती है पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर बच्चे जो है अपने डिपेंडेंट रहें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो खैर माशाल्लाह मेरी तीन बेटियां हैं और सबको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद हाथ बटाने लगते हैं और बटाने में ही सीख लेते हैं। और उसके बाद कुकिंग भी किचन में भी आ जाती हैं, तीनों को शौक़ है कुकिंग करना। तीनों क्या कहें, मेरा बेटा भी है, तीनों से ज़्यादा इसका शौक़ है कुकिंग करने का। उन लोगों से पहले यही तैयार हो जाता है, अम्मी ये बना दूँ, अम्मी वो बना दूँ। तो माशाल्लाह सब बच्चे ठीक हैं। अभी आ गया था आज जुम्मा का नमाज़ पढ़ के, अलविदा लास्ट जुम्मा है रमज़ान का, तो नमाज़ पढ़कर आ गया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरा आज का आउटफिट है, मैं ये पहनूँगी आज अलविदा जुम्मा का। फ्रेंड्स ये है मेरा आज का अलविदा का आउटफिट है, ये देखें। और ये मेरी बहन अफसाना भेजी है गया से, तो मैंने सोचा कि आज अलविदा है तो अलविदा को पहन लेती हूँ यही। तो कैसा लग रहा है आप बताइएगा कमेंट करके, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है और इसका दुपट्टा ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये समीज भी कॉटन है और हल्का है बिल्कुल। अलविदा जुम्मा है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, कुछ अच्छा पहनना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज पहन लेती हूँ। और तो फ्रेंड्स इफ्तार बनना शुरू हो गया है, किचन में आ गई हूँ और ये देखें यहाँ पे इफ्तार में बन रहा है काबली चना का छोला, वाइट चना, तो इसका छोला बनेगा। कबीर और आयशा दोनों का पसंद है तो छोला के साथ भटूरा नहीं रहेगा, सिर्फ छोला रहेगा। और उसके बाद फिर पकौड़ी रहेगा और उन लोगों का केक, केक तो छूटता नहीं है, जब भी उन लोग रोजा रखते हैं तब जो है केक चाहिए होता है, केक तो बनेगा ही। उसके बाद जो खाना बनना है वो बनेगा, मछली है, उस दिन एक दिन पहले मछली लिया गया था तो आधा रख करके आधा बनाई थी और आधा फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो वो बनाने जा रही हूँ खाना के लिए। तो
चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इफ्तार बनाना, ईद हो जाएगी देर। यहाँ पे इफ्तार का चल रहा है पूरा इंतजाम और तैयारी। और ये देखे, कुलसुम को डोरा केक बनाने नहीं आ रहा है, रेसिपी देख देख कर पागल हो रही है। डोरा केक सिंपल सा डोरा केक इसको बनाने नहीं आ रहा है। और इधर आयशा काट रही है तरबूज, मतलब फल सब काटने का काम जो है आयशा को मिला है। और पानी रखने का काम, हाँ, और पानी रखने का काम कबीरा। अम्मी इसको ऐसा से क्या से करे, वो जो था वैसे नहीं करना है, कपड़ा से पोंछ दो। कहाँ डाले, कहाँ डाले, कहाँ डाले, कहाँ डाले, टिश्यू पेपर तो फेंक, कहाँ डाले, कहाँ डाले, क्या खरबूजा भी था, छोड़ दो आज, लेकिन अब भी खोल नहीं, हमको खाना है खरबूजा। कल कच्चा वाला काट दिए थे, और एक कच्चा था एक पक्का था, पक्का काटना था। हम नहीं रहते हैं पापा, ये सब करते। पूरा डालो, लुक एट दिस। ए हीरो, पानी रखा है बॉटल, कितना बॉटल रखे, सिर्फ अपना, दो नहीं अभी वाला बॉटल रखे। अरे वही तो बड़ा है, उसी में रखो। अरे दो रखे हैं ना, गर्म पानी रहता है उसमें। इतना गाढ़ा कौन रखता है, क्या क्या लग रहा है, इतना रखो कि ये फैल जाए। उल्लू बुद्धू, शायद थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रह गया। हाँ, उसको गीला करो थोड़ा सा। आयशा रोजा रखी है इसलिए नाक पे गुस्सा है। प्यार मोहब्बत बांटो। ऐसा प्यार मोहब्बत बांटो, बांटो लीजिए। क्या करेंगे, खाना है, क्या करना है? अभी अभी आएंगे, लेट से। क्यों लेट से आएंगे? चलो हो गया ना। और इधर तैयार हो गया है ये कार मस्जिद में भेजने के लिए। तो ये रहा पकौड़ी चना, ये छोला है रगड़ा छोला ना कुलसुम, और ये सेवई है नवाबी सेवई, फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, इसे ढक करके और मस्जिद भेजना है, तो इसे देख करना पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। शादी से पहले का बना हुआ है, और ये मेरा बना हुआ नहीं है, मेरी बहन बनाई है, छोटी बहन। और मेरा बना हुआ तो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा गया है। तो ये पता है कैसे बनता है, ये ना जो कील होता है उसमें फंसा करके इसे बनाया जाता है, बहुत ही अलग तरीका का है, क्रोशिया वगैरह से नहीं बनता ये। सोलर के लिए बैटरी, सोलर का बैटरी, सोलर प्लेट कल मिलेगा। ए जफर, ये इन्वर्टर हो गया, यानी कि सब वही चीज रहता है, बस प्लेट ऊपर लगेगा सोलर। एक कोई को पकड़, नीचे से पकड़ो। हाँ, यही रख दे इस पे। तो फ्रेंड्स, मगरिब का टाइम हो गया था और यहाँ पे इफ्तार लग गया है, सब तैयार हो चुका है। और ये देखें, ये फल जो है ना बहुत ही पसंदीदा फल है, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मेरे साथ दोनों बच्चे भी हैं, आयशा और कबीर, दोनों रोजे से हैं। तो मैं तो इतने दिन से नहीं रख रही थी, डॉक्टर मना किया था तो, लेकिन लास्ट में दिल नहीं माना, तो मैं सोची कि चलो 10 रोज़ा कम से कम रख लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस देखिए यहाँ पर अज़ान हो गई थी और हम लोग रोज़ा खोल चुके हैं। और आज का रोजाना बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि धूप आज बहुत थी और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा काम भी ज़्यादा पड़ गया, फ्राइडे था तो काम भी एक्स्ट्रा हो ही जाता है, तो इस वजह से थकान भी हो गई थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो रोज़ा खोलने के बाद तो बस पानी ही लगता है पीते जाए और पेट फुल हो जाता है।
तो ये केक डोरा केक चल रहा है। बच्चों को ना पकौड़ी और चना ये सब से कोई मतलब नहीं रहता है, उन लोगों को बस केक और आइसक्रीम और शरबत वगैरह ये सब चीज़ चाहिए होता है। फ्रूट्स में भी बनाना खाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, सस्पेंस जो है ना बिल्कुल खाली नहीं है, इसलिए जो है ये देखें क्या में बन रहा है चाय। तो ये चाय पी करके तभी रोजा खोलने के बाद चाय ऐसा लगता है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंप्लीट तभी होता है जब चाय पी लेते हैं हम लोग तब। खाना बना, बर्तन वगैरह सब धुल गया है और हस्बैंड खाए हैं, बच्चे भी नहीं खाए हैं और मैं भी नहीं खाई हूँ, तो हम लोग अभी खाना खाएंगे। लेकिन बर्तन धोने के बाद ये हाथ की सफाई कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल अनार छील रही हूँ ना, तो ये जो नेल है वो ब्लैक हो जा रहा है। तो इसलिए जो है नींबू और चीनी जो जिससे मैं धोती हूँ हमेशा, इसी को यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा हाथ हो जाता है। तो अभी जो फ़िलहाल है ना, चीनी ख़त्म हो गया है, डब्बा खाली हो गया है, ये देखें, तो इसे भरना है। और तो ये देखें पीस कर मैं रखी हूँ। और अभी डोरा केक बनाना था ना, तो ये डोरा केक में भी पाउडर डालना था, तो ज़्यादा पीस ली थी तो बचा है, तो इसे डब्बे में भर कर रख देती। तो बस थोड़ा सा हाथ पे लेना है। और ये देखिए शाम में जो है चना में नींबू निचोड़ करके जो बचा हुआ है उसको यूज़ करूँगी हाथ साफ़ करने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नींबू रहे, तभी इसका छिलका भी काम आ जाता है, तो छिलके से ही साफ़ करना है। बस 2 मिनट तक, 1 मिनट ज़्यादा नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट ही काफ़ी है। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट रगड़ना पड़ा, क्योंकि अनार का दाग है, जल्दी जा नहीं रहा था ब्लैक किसका, तो इसलिए 2 मिनट इसे रगड़ना पड़ा अच्छी तरह से। चलते हैं धो लेते हैं इसे, उसके बाद फिर इसमें वैसलीन लगा लेंगे। वैसलीन हाथ, फ्रेंड हाथ से इतना काम होता है, तो इसकी देखभाल तो बहुत ज़रूरी है। इसे इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा फेस को इतना देखभाल किया जाता है और हाथ को बिल्कुल मतलब छोड़ दिया जाता है। काम के धुन में हम लोग इतना काम रहता है कि इसका केयर ही नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।